नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में पूर्वी चंपारण सीट की। यहां से 2019 में कौन बनेगा सांसद। पूर्वी चंपारण सीट चंपारण की धरती का सबसे अहम संसदीय सीट और बिहार की सियासत में काफ़ी अहम माना जाता है। 2002 के परिसीमन के बाद 2008 में अलग से ये सीट भी अस्तित्व में आया। परिसीमन से पहले पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट मोतिहारी सीट के नाम से जानी जाती थी। आज़ादी के बाद से इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, लेकिन 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार ने पहली बार इस सीट पर कब्जा जमाया। उसके बाद इस सीट से 5 बार बीजेपी जीती। यहां से वर्तमान सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह हैं। 2009 और 2014 में राधा मोहन सिंह ने इस सीट से चुनाव जीता। इससे पहले भी वे इस सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें हरसिद्धि जो कि सुरक्षित है, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पीपरा और मोतिहारी। इन 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 2 पर राजद और 1 पर लोजपा का वर्चस्व है। इस लोकसभा क्षेत्र में एनडीए और राजद का वर्चस्व है। कार्यकर्ताओं के मामले में भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही है। जिले की जनसंख्या 50,99,371 है। यहाँ का जनघनत्व 1,285 है। औसत साक्षरता 58.26% है। यहाँ कुल मतदाता 32,77,272 है। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह अमूल्य धरोहर है। स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी 1917 में मोतिहारी आए थे। इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में कई बड़े कार्य हुए। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कर उसे बेहतर लुक दिया गया। रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य पूरा हुआ। दोहरीकरण कार्य निर्माणाधीन है। पीपरा कोठी को कृषि के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया। यहाँ राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र, बागवानी व वानिकी महाविद्यालय की स्थापना के साथ बंबू नर्सरी व पशुओं को सीमेन के लिए केंद्र खोला गया। कोटवा में मॉडल डेयरी प्लांट की स्थापना की गई। हरसिद्धि में गैस बाटलिंग प्लांट की स्थापना हुई। कौशल विकास के लिए केंद्र खोला गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ कई छोटे बड़े कार्य नियमित रूप से होते रहे, लेकिन स्थानीय किसानों को उनकी उपेक्षा खटकती है। बंद चीनी मिलों को चालू कराने और गन्ना उत्पादकों का बकाया भुगतान भी लंबित है। 1952 में देश में हुए पहले चुनाव से ही इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। 1971 तक इस सीट से 5 बार कांग्रेस के विभूति मिश्रा विजयी रहे थे, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में यहां का गणित बदला। जनता पार्टी के ठाकुर रामापति सिंह चुनाव जीते और कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हुआ। 1980 में यहां से सीपीआई के कमला मिश्र मधुकर जीते। 1984 में कांग्रेस के प्रभावती गुप्ता जीती। 1989 में यहां से बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता और राधा मोहन सिंह को उतारा। राधा मोहन सिंह चुनाव जीत गए। 1991 में फिर सीपीआई के टिकट पर कमला मिश्र मधुकर चुनाव जीते, लेकिन 1996 का चुनाव जीतकर फिर राधा मोहन सिंह ने अपना परचम लहराया। 1998 के चुनाव में राधा मोहन सिंह चुनाव हार गए और आरजेडी की रमा देवी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची, लेकिन 1999 में अटल लहर में बीजेपी के टिकट पर राधा मोहन जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 2004 में फिर इस सीट पर सियासत ने पलटी मारी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी के ज्ञानेंद्र कुमार जीतने में कामयाब रहे। 2002 में लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए कमेटी बनी और 2008 में मोतिहारी सीट पूर्वी चंपारण के नाम से अस्तित्व में आया। यहां से फिर इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलना शुरू हुआ। अगले 2 चुनाव
2009 और 2014 के दो चुनावों में राधा मोहन सिंह को जीत हासिल हुई। इस बार एनडीए से फिर राधा मोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन में हुए सीटों के बंटवारे के बाद यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के खाते में गई। रालोसपा ने यहां से कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है। वहीं अन्य पार्टी के अन्य उम्मीदवार सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। अब यहां आपका मत ये निर्णय करेगा कि किसे आप अपना सांसद चुनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक कीजिए। धन्यवाद।